चीज को जानते हो, हमसे अच्छी सियासी बहस आप करते हो चाहे खाने पे बैठकर, काफी हाउस में बैठकर, मोहल्ले में बैठकर, इसलिए हम कोई बातों को दोहराना नहीं चाहते। सिर्फ ये जरूर कहना चाहते हैं कि चार साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है। हमारे बुजुर्ग यहां सदारत किया करते थे, चचा का इलाज नहीं कर सका, आप गवाह हो, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं। हम तो शुक्र अदा करते हैं जो रहमान भी है, रहीम भी है, ईश्वर वाला, पूरी सरजमीन पर कोई भी ताकत रहम तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक जात है जो एक वक्त में रहमान भी है और रहीम भी है, उसकी रहमत का सिलसिला 24 घंटा चलता रहता है। शुक्र अदा करता है। तमाम जेलों में रखा गया प्यार होगा, तमाम बांदा जेल, झांसी जेल, मैनपुरी जेल, ललितपुर जेल, प्रतापगढ़ जेल, बस्ती जेल, कोई ठिकाना नहीं मिला तो कहां रखा जाएगा। एक मिनट के लिए भी हमको बेइज्जत नहीं कर सकी, हमको कहीं अपमानित नहीं कर सकी। मामला जब यहां से अखबार जाता था तो कभी कभी इलाहाबाद का अखबार जब मिले तो हमने पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, हमने चर्चा भी किया होगा, कभी लिखा होता था कि अतीत के छूटने की आहट से तमाम लोगों में घबराहट हो रही है, कभी ये छपा रहता था। हम ये कहना चाहेंगे लोगों में या किसी प्रत्याशी में, कैंडिडेट में नहीं, ये गलत छपता था, ये सही है साथियों, कि तुम्हारा भाई जो खड़ा है इसको लेकर तमाम बड़ी सियासी पार्टियों में घबराहट है, प्रत्याशियों की बात नहीं करता, तमाम लोगों में घबराहट है। आज भी मैंने बयान दिया है, हमारे के साथी गए थे, हमसे कह रहे थे कितनी सीट जीत रहे हो, हम उनसे कह रहे जो भी सीट हम जीत के आएंगे और सरकार बनाते के वक्त अगर हमारी वजह आज आप सभी कह के जा रहे हैं कि अगर हमारी वजह से सरकार नहीं बन पाएगी, आप जानते हो किसी के अकेले सरकार नहीं बनने जा रही है, किसी का बहुमत नहीं आने जा रहा है, लेकिन साथियों अपना दल अगर इस हैसियत में पहुंच गया कि उसके कदम से सरकार ना बन पाए तो हम सरकार नहीं बनाने देंगे, हम चाहेंगे कि तुम दोबारा मैदान में चलो चुनाव में, और तुम्हारा फैसला हो, तुम्हारा फैसला हो। आज जब वोटर वोट देने के मन में आया है, जिस सूबे में देखो 70, हम एक घर की बात, आपस की बात, मामलेदारी की बात करने आपके बीच में आते हैं, सियासी मीटिंगें कल से शुरू होंगी और ये हमारा अभियान ये जब तक चलता रहेगा कि हम और पीस पार्टी मिलकर एक ताकत को खड़ा करना चाहते हैं, वो ताकत सिर्फ आपके लिए होगी और आपके लिए अपील सीधा करने आए हैं, और जज्बात से नहीं साथियों, ये इलेक्शन ऐसे मोड़ पर है कि यहाँ हमारी आपसी इज्जत 6 साल जुड़ चुकी है, हमारी आपकी इज्जत में कोई बंटवारा नहीं है, कोई बटी नहीं है इज्जत, इसलिए हम आपसे कहना है कि आप बहुत ही संजीदगी के साथ, खाली ये भीड़ और खाली ये नौजवान लड़के जो जोश में, इससे नहीं बल्कि संजीदगी के साथ इलेक्शन को आप संभाल लेना, इलेक्शन का तो अपनी वोटिंग परसेंटेज को हाई करके ले जाना है। साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम अगर जेल के बाहर रहेंगे तो अपनी कलम में ताकत रखेंगे, अपनी चिट्ठी में, अपने टेलीफोन में ताकत रखेंगे, वरना हमको जेल में रहना मंजूर है, बाहर रह के हम मायूसी के साथ कहने इसलिए साथियों आपकी निशान बदल